नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचा पाएं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार की जा रही है और हरियाणा नायब सैनी सरकार के प्रयासों से लगातार आगे भी बढ़ रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरीब परिवारों की स्थिति को सुधारने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए लाभार्थियों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है, जिसका पात्र लोगों को लाभ भी मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार गरीबों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे कि गरीब तक सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने गरीबों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गरीब परिवारों की स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को प्लॉट देने का ऐलान किया है। साथियों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो, छोटा ही सही पर अपना हो। ये हर व्यक्ति का सपना होता है। मुझे खुशी है कि उन भाइयों बहनों का वो सपना पूरा हो रहा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और मुझे यह देखते हुए भी इस समय आपके बीच में आकर लग रहा है मानो मेरा अपना सपना भी पूरा हो रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। और मुझे साथियों, हम अंत्योदय का संकल्प लेकर के चले थे और आज उसी अंत्योदय की तरफ एक और कदम हमने मजबूत बढ़ा दिया है। मुझे पिछले 20-25 दिनों में जिन कार्यों को करने का सौभाग्य मिला है वो मेरे लिए एक अद्भुत पल है। हमने जो सबसे पहले योजना शुरू की है, मैंने पिछले दिनों अभी सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 6,795 और उसके साथ साथ 20,000 लोग ऐसे थे कि जिनके पास ना तो कागज थे, ना उनके पास कब्जा था और पूर्व की सरकारों ने उनको सजा भाग दिखा दिया कि आपका यहां प्लाट है। वो चक्कर काट रहे थे, चक्कर काट करके थक करके घर में बैठ गए थे, परंतु हमने निर्णय किया एक भी व्यक्ति जिसका 100 गज का प्लाट है वो उसको कागज भी मिलेंगे, उसको कब्जा भी मिलेगा। और हमने पिछले दिनों वो कब्जा भी दिया है और वो 100 गज का प्लाट दिया है, उसके कागज भी दिए हैं। ये हमने सोनीपत के अंदर जो लोग लंबे समय से घूम रहे थे उन लोगों को हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में, जैसे आज भी हम अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, उस दिन भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे। हमारी सरकार का यह ध्येय है कि गरीब व्यक्ति के जीवन को सरल करना, उसको मजबूत करना, वह भी अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ये ध्येय अगर किसी सरकार का है, ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार का है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैंने उस दिन एक और घोषणा की थी,
सोनीपत से ही की थी। मैंने कहा था कि जिन गांव के अंदर अगर जमीन नहीं है और वो प्लाट लेना चाहते हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको 100 गज के प्लाट की आवश्यकता है, तो हमने तुरंत इसकी रचना योजना बनाई और उस दिन हमने जो शेष लोग बचे थे उन सब लोगों के लिए ये बात कही थी कि उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि वो अपना प्लाट ले सके। उसके लिए हमने डेट भी तय कर दी है, एक किसी प्रकार का कार्यक्रम उसका आयोजन करके उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता न रहे कि उसे अपने प्लाट के ऊपर मकान बना सके। कहते हैं ना, हर किसी का सपना छोटा सा घर हो अपना, तो हरियाणा में गरीबों का ये सपना नायब सैनी सरकार पूरा कर रही है, जिससे गरीब के सिर पर छत आ सके और उसका आर्थिक बोझ कम हो सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब के सिर पर छत के सपने को पूरा करने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा में गरीब परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई है।